करो बाप ऐसो ऐसो अवसर फिर के दावलो और दुखी होया पा तो सुमरन हो भी कोन्या थारी डगमग हाले नाड़ बुढ़ापो खोटो छे डगमग हाले नाड़ बुढ़ापो खोटो तू ले ले हरी को नाम बुढ़ापो तू ले ले हरी को नाम बुढ़ापो खोटो छे अरे खोटो छे रे खोटो छे खोटो छे रे खोटो छे तू तो ले ले तू तो ले ले हरी को नाम बुढ़ापो खोटो अभी कावड़ यात्रा चल रही थी कहां कहां से जड़ लेकर के आ रहे हैं कहां लोहागढ़ से कोई तो हरिद्वार से लेके आते हैं पावती आरे बंदा तीरथ कर ले तन हाथ दिया रे कर रतिनाथ जी महाराज को याद करूं रतिनाथ जी महाराज के जो जितने भी चेले हैं ना वो सब भजन गाते हैं और ये तो नाथों का इलाका है तो बीच में दादूपंती फंस गया पर आपसे निवेदन करूं कि मेरे दादू दयाल जी महाराज एक ऐसे संत हुए जिसमें सारी परंपराएं समाहित है भले ही राम उपासक हैं दादू दयाल भले ही राम उपासक हो पर गुरु गोरखनाथ की भी महिमा गाते हैं दादू दयाल जी काथा गोरख भरतरी अनंत सिद्धो का महंत प्रकट गोपी चंद है तत कहे सब संत गोरखनाथ की महिमा दादू दयाल भी गाते हैं भरतरी की महिमा दादू दयाल भी गाते हैं और आज मैं भी भरतरी को गाता हूँ गोरख को गाता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैं दादू दयाल जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे गर्व होता है और मैं आप सबको जोड़ रहा हूँ सब गाइए तन्ने 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 जीव दई रे गुण को बुढ़ापो खोटो तन्ने जीव दई रे चपरा बुढ़ापो खोटो ये कोई बाई राम थी
तो उसके ससुराल वालों ने नाक में पैरने की नथ दी। कोई एक बाई राम थी, उसके ससुराल वालों ने नाक में पैरने के लिए नथ दी, तो अपनी सहेलियों को बता रही और बार बार कह रही, देख मेरे ससुराल से मेरे लिए नथ आई, बार बार कह रही। तो कोई संत निकल रहे थे और उन संतों ने सुना तो कहा, भाई तू किस बात पे इतनी गर्वित हो रही है? बोले, महाराज देखो, मेरे ससुराल वालों ने मुझे पैरने के लिए सोने की नथ दी है। तब संत ने कहा, बस एक सोने की नथ तेरे ससुराल वालों ने दी है तो इतनी इतरा रही है और इतना तू ससुराल वालों का गुणगान कर रही है, पर जो नथ तेने जिस नाक में पैर रखी है वो नाक किसने दिया उसको तो भूल ही गई थी। अगर यो नाक नहीं हो तो या नथ पैरती कि मैं, अगर यो नाक नहीं होता तो यो मुंडो भी थापड़ी की तरह हो जाता। Jai Gopal, 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 J